तो आज का टॉपिक है कॉर्निबैक्टीरियम। तो ये कैसे बैक्टीरिया होता है? तो ये होते हैं ग्राम पॉजिटिव। बेसिलस यानी कि रोड शेप होंगे, नॉन एसिड फास्ट। बैक्टीरिया नॉन मोटाइल, नॉन स्पोरिंग, क्लियर, और क्लब शेप्ड। बैक्टीरिया ठीक है, क्लियर। उसके अलावा इसकी जो स्ट्रेन या स्पीशीज हमको डिजीज कॉज करती वो होती है डिफ्थेरियाई। कॉर्निबैक्टीरियम डिफ्थेरियाई जो क्या कॉज करता है? डिफ्थेरिया। हिंदी में भी डिफ्थेरिया ही बोलते हैं। इन कॉर्निबैक्टीरियम कॉर्निबैक्टीरियम डिफ्थेरिया इज डिजीज कॉजिंग स्ट्रेन। ठीक है, तो अपन पढ़ेंगे कॉर्निबैक्टीरियम डिफ्थेरिया। ठीक है, क्लियर। तो सबसे पहले अपन इसमें पढ़ेंगे इसकी मॉर्फोलॉजी। ग्राम पॉजिटिव होते हैं, बेसिलस होते हैं, नॉन एसिड फास्ट होंगे, नॉन मोटाइल, नॉन कैप्सुलेटेड एंड नॉन स्पोरिंग। उसके अलावा ये क्लब शेप्ड होते हैं। जब अपन लोफ्रस मिथाइलिन ब्लू स्टेनिंग करते हैं तो इसके जो मेटाक्रोमेटिन्स होते हैं, इसमें मेटाक्रोमेटिन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, या तो वन साइड या बोथ साइड दोनों। अगर जब अपन इस पर लोफ्रस मिथाइलिन ब्लू स्टेन यूज़ करते हैं तो उसके जो मेटाक्रोमेटिन होते हैं वो ब्लूइश पर्पल कलर के दिखाई देते हैं, और वहीं अगर अपन एल्बर्ट स्टेन करेंगे तो वो मेटाक्रोमेटिन ब्लूइश ब्लैक दिखाई देंगे। क्लियर।
डॉटेड दिख रहे हैं साइड में व और बोथ साइड, या तो एक साइड होंगे या बोथ साइड ये डॉट्स दिख रहे हैं, इनको बोलते हैं मेटाक्रोमेटिन ग्रेन्यूल्स। इसके लिए अपन मेनली परफॉर्म करते हैं अल्बर्ट स्टेन। एक बैक्टीरिया तो डिजीज कॉज करेगा नहीं ना, लिख लिया। तो डिफ्थीरिया कॉज करते हैं और डिफ्थीरिया इतनी फैटल होती है कि अगर पेशेंट के इसका जो पेशेंट है अगर आ भी जाए ना तो हम वेट नहीं करते हैं लैब की रिपोर्ट्स का और ट्रीटमेंट स्टार्ट कर लेते हैं अगर हम इसका प्रोग्नोसिस कर ले तो, क्योंकि अगर जितना अपन वेट करेंगे तब तक तो पेशेंट रहेगा ही नहीं इस दुनिया में। तो इसका एलडी सिर्फ अपन इसलिए लगाते या तो ऑर्गेनिज्म को अलग कर सके, आइसोलेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, या फिर डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ टॉक्सिन। तो अपन कहाँ पढ़ रहे थे, मॉर्फोलॉजी। तो इसकी लेंथ होती है, होती 3 to 10 माइक्रोन लेंथ वाइज, और विड्थ वाइज होती है 0.6 to 0.8 माइक्रोन इन साइज। क्लियर, यानी कि इसकी लेंथ कितनी होगी 3 से 10 और विड्थ यानी कि इसकी चौड़ाई होगी 0.6 to 0.8। क्लियर, मेटाक्रोमेटिन ग्रेन्यूल्स आर प्रेजेंट वन एंड और बोथ एंड। क्लियर, अगर हम इसमें लो फ्लर्स मिथाइलिन ब्लू स्टेन यूज करते हैं तो ब्लूइश पर्पल कलर के मेटाक्रोमेटिन सीन होता है। ठीक है, वहीं अगर हम अल्बर्ट स्टेन कर लें तो ये ब्लूइश ब्लैक कलर के दिखाई देते हैं। ठीक है, और जो इनकी जैसे ये दिखाई देते हैं तो वो एक फैशनेबल अरेंजमेंट में होते हैं जिसे चाइनीज लेटर कहते हैं। तो इसको यूनिफॉर्म अरेंजमेंट या चाइनीज लेटर भी कहते हैं, क्योंकि चाइनीज लेटर वी या एल की आकृति में ये प्रेजेंट होते हैं। एंगुलर फैशनेबल अरेंजमेंट ऑफ बैक्टीरिया इन लेटर वी और एल नोन एज चाइनीज लेटर और यूनिफॉर्म अरेंजमेंट ठीक है। क्लियर, उसके अलावा ये जो मेटाक्रोमेटिन ग्रेन्यूल्स होते हैं इसको या अपन वॉलेटिन या फिर
वेब्स अननेस्ट ग्रेन्यूल्स भी कह सकते हैं। मेटाक्रोमेटिन ग्रेन्यूल्स ऑल्सो नोन एज वॉलेटिन और वेब्स अननेस्ट ग्रेन्यूल्स। क्लियर? तो ये थी मॉर्फोलॉजी ऑफ कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थेराई। अब अपन पढ़ेंगे पैथोजेनेसिस ऑफ कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थेराई। ठीक है, पैथोजेनेसिस में ये डिजीज क्या कॉज करता है, तो डिजीज का नाम है डिप्थेरिया। क्लियर? किन में कॉज करता है, तो कॉज इन चिल्ड्रंस। कितने साल के, तो 2 से 10 साल के बच्चों में। ओल्ड चाइल्ड। ठीक है, क्लियर? उसके अलावा इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो कितना होता है, तो इसका इंक्यूबेशन पीरियड 3 to 4 days होता है। यानी कि अगर आज आपको इन्फेक्शन हुआ तो 3 से 4 दिन में सिम्टम्स आ जाएंगे। क्लियर? या फिर मैक्सिमम मिनिमम 1 day भी इसका इंक्यूबेशन पीरियड हो सकता है। क्लियर? डिजीज किस में कॉज कर रहा है, तो डिफ्थीरिया तुझे हो सकता है, डिफ्थीरिया तुझे हो सकता है। तो ये कहाँ कहाँ डिजीज कॉज करता है, तो ये फोशियल यानी कि आपके थ्रॉट का इन्फेक्शन, ठीक है, और आँखों में कंजक्टिवाइटिस, कान में ओटाइटिस, ठीक है, नोज़ में नेजल इन्फेक्शन, ठीक है, क्लियर, वल्वो वेजाइनाइटिस कॉज कर सकता है। उसके अलावा सब बता दिए, नहीं एक नहीं बताया, एक रखा है मैंने, तू बताएगा। एक लैरिंजियल इन्फेक्शन कॉज करता है, फेरिंग्स के बाद लैरिंग्स होता है या लैरिंग्स के बाद फेरिंग्स होता है, बताओ, बाद एनाट में पढ़ी है ना, पढ़ी है ना, नहीं पढ़ी, लैरिंग्स पहले होता है फिर फेरिंग्स होता है, या फेरिंग्स पहले होता है फिर लैरिंग्स होता है? लिख लिया? फोशियल यानी कि तुम्हारे थ्रॉट में कभी कभार टॉन्सिल्स होता है और पेन होता है, आप कुछ इनग्लफ नहीं कर पाते हो, उस कंडीशन को बोलते हैं ओरोलैरिंजियल इन्फेक्शन ऑफ थ्रोट और फोशियल इन्फेक्शन। क्लियर? लिख लिया?
टाइप ऑफ इन्फेक्शन सीन इन डिफ्थीरिया. तो सबसे पहले फॉसिल, ठीक है, यानी कि थ्रॉट इन्फेक्शन. फिर ये लैरिंजियल इन्फेक्शन करता है, ठीक है. उसके अलावा आँखों में कंजक्टिवाइटिस, कान में कॉज करेगा तो ओटाइटिस, और अगर नोज में तो नेजल इन्फेक्शन. और वल्वो वजाइनाइटिस. ये कुछ इन्फेक्शन कॉज करता ही है. फिर अपन इसमें पढ़ेंगे लोकल इन्फेक्शन. क्योंकि ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है तो बाय इन्हेलेशन फर्स्ट ये कहाँ आता है, आपके अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम में. इन्हेल करोगे ना, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है. अगर कोई छींकेगा, कोई खांसेगा तो ड्रॉपलेट्स आएंगे बाहर. उस ड्रॉप को अगर तुम अगर आसपास होगे, इन्हेल करोगे तो कहाँ इन्फेक्शन होगा, अपर रेस्पिरेटरी पार्ट में ही ना. क्लियर? तो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन. Primarily, infection cause in upper respiratory system. ठीक है, उसके बाद ये क्या करेगा, अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम में जाकर ये टॉक्सिन रिलीज करेगा. टॉक्सिन रिलीज करेगा जो आपकी सुपरफिशियल लेयर होती है रेस्पिरेटरी सिस्टम, वहाँ पर नेक्रोटिक लीजन बढ़ाएगा. यानी कि जो आपकी लेयर होगी सुपरफिशियल लेयर, वो सड़ने लग जाएगी. सड़ने लग जाएगी तो वहाँ पर एक फाइब्रियस एक्जुडेट यानी कि रिसाव होगा. ठीक है, फाइब्रियस वाइट कलर का, उसमें क्या क्या प्रेजेंट होगा, ल्यूकोसाइट, इरिथ्रोसाइट्स एंड बैक्टीरिया. क्लियर? और फिर जब अपन स्पूटम लेंगे तो अपन देखेंगे आपका जो अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो पूरा खराब हो चुका है. अगर लेयर ही छिल जाएगी तो तुम ब्रीथ कर पाओगे इजीली? नहीं कर पाओगे ना, तो सांस लेने में तकलीफ आती. और इसका सबसे ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट ये होता है कि वही जो फाइब्रस एक्जुडेट है वो आगे जाकर स्यूडो मेम्ब्रेन बनाता है. स्यूडो यानी कि झूठी, मेम्ब्रेन यानी कि लेयर बनाएगा. ठीक है, कौन सी, ग्रे कलर की. ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है. ठीक है, क्लियर? फर्स्ट फर्स्टली बैक्टीरिया रीच द अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम देन release the exotoxin this exotoxin work on superficial
superficial layer of upper respiratory. किसको बातें करनी है? सिस्टम एंड नेक्रोटाइज द लेयर. ठीक है, अब फिर ये क्या करेगा? फाइब्रस एक्सुडेट रिलीज करेगा, यानी कि सिक्रेशन रिलीज करेगा. ठीक है, जिसमें क्या क्या प्रेजेंट होंगे? ल्यूकोसाइट, एरिथ्रोसाइट्स एंड बैक्टीरिया. फिर वो मिलकर क्या बनाएंगे? स्यूडो मेम्ब्रेन. इट इज़ अ इट्स कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट. लिख लिया. देन फाइब्रस एक्सुडेट रिलीज इन एक्सुडेट वी सीन एरिथ्रोसाइट्स ल्यूकोसाइट्स एंड बैक्टीरिया. देन दे फॉर्म ग्रे कलर ऑफ स्यूडो मेम्ब्रेन. ठीक है, क्लियर. इसके अलावा अपन देखते हैं एक सिस्टमिक इन्फेक्शन. सिस्टमिक इन्फेक्शन में क्या होता है कि जो बैक्टीरिया है, यानी कि कॉर्निबैक्टीरियम डिफ्थेरिया, जो वो आपके ब्लड में डिफ्यूज हो जाते हैं, यानी कि घुल जाते हैं, और टॉक्सीमिया यानी कि टॉक्सिन रिलीज करते हैं आपके ब्लड के अंदर कर रहे हैं. तो ब्लड ब्लड वेसल से कहाँ जाएगा? ऑर्गन्स तक. तो इसकी जो मोस्टली अफिनिटी होती है वो आपकी कार्डियक मसल, एड्रिनल ग्लैंड और नर्व्स एंड इनकी तरफ होती है. ठीक है, क्लियर. समटाइम्स बैक्टीरिया एंटर इन ब्लड वेसल एंड कॉज टॉक्सेमिया बाय टॉक्सिन रिलीजिंग
dystoxemia high affinity towards cardiac muscle adrenal and nerves ending तो यहाँ खत्म होता है पैथोजेनेसिस ऑफ कॉर्निबैक्टीरियम डिफ्थेरी. इसके बाद अपन पढ़ेंगे लेबोरेटरी डायग्नोसिस ऑफ कॉर्निबैक्टीरियम डिफ्थेरिया.